अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं जमील अहमद और आप देख रहे हैं वन ऑटो आर राउंडर। दोस्तों, ये कहना कि मोटरसाइकिल है तो इसकी ट्यूनिंग में कर रहा था तो मुझे याद आई है, चलो यार इस पर एक मैं वीडियो बना दूं। आप अक्सर बाइक चला रहे होते हैं तो यहाँ पे आप जब पाँव रखते हैं जगह पे तो आप कितनी ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही थी, जैसे कि यार पाँव में जो है चूंटियाँ काट रही है, इस तरह की वाइब्रेशन होती है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा जो हमारे नए बाइक जो चाइना के आ रहे हैं ना, होंडा सेवेंटी भी आजकल इसी तरह की आ रहे हैं। बहरहाल जो भी मोटरसाइकिल है जब आप ट्यूनिंग करवाते हैं उस दौरान ये आपकी जो सी वाइब्रेशन बिल्कुल खत्म हो सकती है और ये काम आप लाजमी करवाया करें। ठीक है, अगर आपका मतलब कि यहाँ पाँव रखते हैं जैसे ही तो आपकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा महसूस होती है जब स्पीड में होता है, तो स्लो में नहीं होता वाइब्रेट इतना नहीं करता, जब स्पीड होती है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाँव वाइब्रेट करते हैं, जैसे कि इसका इंजन खुला हुआ कोई इस तरह का मसला है। तो उस सूरत में दोस्तों आपने जो है ना इसके मेन पॉइंट तीन चार में बताऊँगा, तो वो तीन चार मेन पॉइंट आप अगर मतलब हल कर दे उस तरीके से कर दे तो आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी और काफ़ी मतलब आपको जो है ना रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जब आप ट्यूनिंग करवाते हैं सबसे पहले आप इसका जो है ना एक ये बोल्ट लगा हुआ, ठीक है, ये आपने जो है ना यहाँ 14 की गोटी डाल के उस तरफ 12 की रखी दूसरी तरफ, ठीक है, वहाँ से आपने इसको पकड़ना होगा नट को पकड़ के, ये वाला आपने एक टाइट कर रहे हैं, ये मेन जरूरी जो मतलब कि ब्रेट खत्म करने के लिए जो मैं आपको बात कर रहा हूँ। ठीक है, और भी बहुत से फॉल्ट होते हैं, बहरहाल ये मेन पॉइंट है, एक ये वाला बोल्ट ठीक है और एक ये वाला हमारा जो है लगा हुआ, अगर आपको यहाँ से नजर आ रहा हो ये वाला, ठीक है, ये दो इंजन के जो बोल्ट हो गए ये फुल मतलब आपने टाइट करने हैं। अगर ये मतलब आप टाइट करते हैं, टाइट होने के दौरान अगर ये समझ दें कि हाँ ये लूज हो रहे हैं मतलब स्लिप होने के चांसेस हैं, तो आप ये जो है ना बोल्ट इसके चेंज कर दें दोनों, अगर मतलब स्लिप हो तो, नहीं स्लिप होते फुल टाइट होते हैं फिर छोड़ देने। उसके बाद दोस्तों सब उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो सेंटर एक्सल का होता है उस तरफ जो है ना दूसरी तरफ 17 नंबर का नट लगा होता है और होंडा 70 कियों में जो है 14 नंबर का लगा होता है, ये वाला आपने जो है ना अच्छे तरीके से टाइट करना है, एक और ये दो हो गए, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपने इसका जो बैक व्हील का जो होता है ना ये वाला एक्सल वाला, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से टाइट करना है, ठीक है, इससे वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद आती हैं शाखों की, ठीक है, ये दोनों मतलब वाइब्रेट खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है, ये आपने टाइट करना है अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ से अगले व्हील का जो है आपने एक्सल टाइट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे जो है यहाँ पे हैंडल के ऊपर जो है ना ये जो दो बोल्ट होते हैं ना, एक ही है ठीक है, शाख वाला, ये आपने टाइट करनी है। तो ये सिर्फ चार पाँच मतलब तीन चार ही काम है, ये अगर आप कर देना तो आपके मोटरसाइकिल में ब्रेक बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ऐसे चलेगा जैसे कि बिल्कुल हमारा बाइक बिल्कुल स्मूथ हुआ हुआ है, ठीक है। तो जब ये फ्रेम वाले आप बोल्ट ऐड करेंगे, देखें यहाँ इस तरह जो है 12 नंबर के हमारे जो है नट लगे हुए हैं, यहाँ से आपने वहाँ से इसको पकड़ लेने दूसरी साइड से 14 नंबर की चाबी से और 12 नंबर की जो है ना राड के साथ, गोटी राड के साथ आपने ये वाला बोल्ट बहुत अच्छे तरीके से ऐड करना है। ये हमारे आजकल के जितने चाइना बाइक आ रहे हैं ना उनमें तो ये बिल्कुल जो है लूज होती है, नए मोटरसाइकिल होता है वाइब्रेशन शुरू कर देता है, तो इसमें यही फॉल्ट होता है, मेन फॉल्ट ये होता है कि इसकी दोनों बोल्ट आपने टाइट करनी है। तो दोस्तों ये शॉर्ट सी वीडियो थी, तो मैंने सोचा चलो ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दूं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है थोड़ी सी भी, तो वीडियो को लाइक कर दें और जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।